स्वागत है दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपके पास कोई कंपोनेंट ऐसा हो जिसमें होलो की संख्या काफ़ी ज़्यादा और उसके लिए आपको पंचिंग का टूल बनाना हो, जैसे कि 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 होल तक के भी हो सकते हैं। अगर आपको इस तरीके के ऐसा कोई कंपोनेंट हो जिसमें इतने ज़्यादा होलो की संख्या हो, तो उसका टूल किस तरीके से बनाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि हमने उसमें किस तरीके से हम अपने डाई को बनाए थे। उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि जो हमने डाई बनाई उसका रिजल्ट क्या निकल कर आया, कंपोनेंट किस तरीके का निकल कर आया। दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, आज की वीडियो हम ये सब लाइव देखेंगे, लेकिन इससे पहले ये जरूरी था कि यार जो हम इतने बड़े टूल को बनाएंगे, मान लीजिए कोई कंपोनेंट आपका 400 डाई का, यानी कि इतना बड़ा कोई कंपोनेंट होता है, तो उसके लिए डाई प्लेट इस्तेमाल करेंगे या एमएस की प्लेट इस्तेमाल करेंगे, डाई प्लेट में ज़्यादा खर्चा आएगा या एमएस प्लेट में खर्चा आएगा, मेंटेनेंस की कॉस्ट किसमें कम आएगी, टूल की कॉस्ट किसमें कम आएगी, किसमें बेनिफिट ज़्यादा होंगे, किसमें मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादा आएगा, किसकी लाइफ ज़्यादा होगी, किसकी लाइफ कम होगी, ये सारा कुछ हम पिछली वीडियो में कंपेयर कर चुके हैं। ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है, जो कि मैंने पहले बोला था कि मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा, ताकि और ज्यादा हम लोग डिटेल में समझ सकें, जान सकें। पहले पार्ट में आपको मैंने सारा कुछ डिटेल में बता दिया है कि क्या आपको फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, किसकी लाइफ कम हो, किसकी लाइफ ज्यादा होगी, किसको बनाना आसान होगा, किसको बनाना मुश्किल होगा, किसमें कितना खर्चा आएगा, कितना कौन सस्ता पड़ेगा, कितना कौन महंगा पड़ेगा, ये सारा कुछ हमने पहले ही कवर कर लिया था। कवर करने के बाद मैंने फाइनल डिसाइड करके बता भी दिया था कि मैं एमएस की प्लेट में बूस लगाने वाला हूँ, एमएस की प्लेट में बूस्ट लगा के डाई बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं 40 होल की पंचिंग के टूल बना रहा हूँ इस समय। तो चलिए यार, आज की वीडियो में सब चीज़ों लाइव देखेंगे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिए, उसके बाद जाके पहला पार्ट देख लीजिएगा, ताकि आपको और भी सारी चीज़ें पता चल जाए। ऐसा नहीं रहे कि आपके माइंड में काफ़ी सारा डाउट रह जाए कि ऐसा क्यों, तो इसलिए मैंने पहले ही उस चीज़ को कवर कर लिया है। वीडियो लंबी हो जाती इसलिए मैंने सेकंड पार्ट इसका बनाया। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आप लोग वीडियो पूरी देखोगे और अच्छी लगेगी, तो यार एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे अपने दोस्तों में, यार शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा यार, क्योंकि हम अपने चैनल पे हमेशा यूनिक और इंटरेस्ट और जेन्युइन कंटेंट ही लेकर आते हैं। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, ये हमारी डाई प्लेट है, ये प्लेट हमारी एमएस की है, ध्यान रखना ये एमएस की है, क्योंकि इसमें हम जो बूस्ट ठोकेंगे वो एससीएससीआर का बूस्ट ठोकेंगे, जो कि हमारे डाई प्लेट का पूरा पूरा काम करेगी। तो देख सकते हैं ये सारे होल हो रखे हैं हमारे पास एमएनडीआर से, एमएफएसटीआर से हमारे सारे होल हुए पड़े हैं, इनमें हमें बूस्टों को डालना होगा। अब बूस आप जैसी रिक्वायरमेंट हो सकता है आप एसएससीआर का बूस्ट डालें या M2 का डालें, D2 का डालें, जो भी डालना है आप डाल सकते हैं। हालांकि मेरे को एसएससीआर की रिक्वायरमेंट है मेरे कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, तो मैं एसएससीआर का यहाँ पर बूस्ट डालने वाला हूँ। देख सकते हैं इस साइड से काउंटर हुए पड़े हैं, जो आप देख सकते हैं ये सारे होल हुए पड़े हैं, इनमें मेरे को बूस्ट डालना कुछ इस तरीके से। एक बूस्ट मैंने डाला हुआ है, देख लीजिए आप, बाकी और सभी बूसों को मैं किस तरीके डालूंगा सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा आप लोग। तो देख सकते हैं ये सारा बूस बने पड़े हुए हैं मेरे पास, सारे बूस मैंने बनवा लिए हैं, एक्स्ट्रा भी मैंने बूस बनवा के रखे हैं। क्यों बनवा के रखे हो मैंने पिछली वीडियो में बता भी दिया है सारा कुछ, ताकि कोई बूस खराब भी हो जाता है तो मैं बस बूस को रिप्लेस करूँगा, पूरे डाई प्लेट को ग्राइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। तो बूस मेरा तैयार है, प्लेट भी सारी तैयार है, बस अब हमें रह गया असेंबली करने का। तो चलिए हम इसमें बूस वगैरह सब कुछ ठोकते हैं। ये मैंने बीच में भी चार होल करवा रखे हैं, यहाँ पर भी मैं बूस लगा रहा हूँ, ताकि जो हमारे टूल के अलाइनमेंट काफ़ी अच्छे से मिली रहे, गाइड पिन लगाऊंगा मैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं बूस कुछ इस तरीके से हमें इस तरीके से इसमें ठोकने हैं, बहुत सारी पॉइंट वाली चीज़ें बताने वाला हूँ मैं। देखिए जैसे ये बूस है, ध्यान रखिए मैंने पहले बताया था बूस में कुछ खासियत होनी चाहिए, खासियत होने का मतलब ये है कि इसमें अंडरकट है। अंडरकट का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए, ये अंडरकट आगे देखेंगे आपको माइनस में दिख रहा होगा, करीब 3 mm की दूरी में, 3 से 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अंडरकट है। अंडरकट मतलब आगे का साइज माइनस है। माइनस क्यों है, ये जो माइनस है इसका बहुत बड़ा फायदा है, इसे ही अंडरकट बोलते हैं। जैसे कि मेरा कोई होल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा होल है, इस होल में जब जैसे ही हमने बूस को डाला तो बूस हमारा यहाँ पे पकड़ लिया, ठीक है, बिल्कुल सीधा पकड़ लेगा, क्योंकि हमारा जो अंडरकट है वो बिल्कुल आराम से चला जाएगा, और आगे हमारा फिटिंग साइज है, ध्यान रखना आगे फिटिंग साइज है, ये हमारा अंडरकट है जो बूस में यहाँ पकड़ लेता है, ताकि हमारा जो बूस ठोकेंगे हम बिल्कुल सीधा ठोक लें। नहीं तो क्या होता है, हम बूस कई बार टेढ़ा ठोक देते हैं और आउट हो जाता है, कई बार होता है मटेरियल कटता हुआ चला जाता है, बूस हमारा टेढ़ा ठोक जाता है, पंच हमारे ज़्यादा टूटते हैं, क्योंकि पंच का अलाइनमेंट तो टेढ़ी हो जाती है, बूस टेढ़े होने की वजह से ही पंच हमारे बहुत ज़्यादा टूटते हैं, और पीस भी साइड, पीस में जितने भी देखेंगे पंचिंग सब साइड होती है, साइड मारते हैं, साइड मारने की वजह सिर्फ यही होता है। अभी देखिए क्या हुआ, अंडरकट देख लीजिए, अंडरकट हमने जैसे ही अंदर पकड़ाया तो अंडरकट इतना था कि इस होल के अंदर से, जैसे मान लीजिए होल 10 का, उससे हमारा 0 to माइनस में हो गया,
अंडरकट हमारा 0.2 0.2 0.1 माइनस में है, तो कि होल के अंदर बिल्कुल आराम से स्मूथ पकड़ ले। पकड़ने के बाद 10 का होल है एग्जांपल के लिए, तो 10.01 ठीक है, 10.001 का साइज हमने प्लस में रखा है ताकि हमारा ये बूस बिल्कुल ठुकता हुआ चला जाए। अंडरकट से यही फायदा होता है कि हमारा बूस बिल्कुल सीधा ठोका जा सकता है। तो देखिए हमने यहाँ पे बूस कुछ इस तरीके से ठोंक दिया, फिर भी गलती हो सकती है, हो सकता है आपसे फिर भी गलती हो जाए, आपने किसी साइड में टेढ़ा ठोंक दिया या झुक गया। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक कोई भी राइट एंगल ब्लॉक ले लीजिए और यहाँ पर आप लगा दीजिए, ठीक है। आप लगा के चारों साइड में चेक कर लीजिए किस साइड में आपका बूस झुक रहा है, आप देखेंगे ये आपका पूरा पूरा मैच होगा। अगर किसी साइड में झुक रहा होगा तो किसी एक पॉइंट को टच होगा, सिर्फ एक पॉइंट टच होगा, तो आपको पता चल जाएगा हाँ इस साइड में बूस हमारा झुक रहा है, उस साइड में हल्के चोट मारिए, चोट मार के उसको सीधा कर लीजिए। जैसे कि हमने एग्जांपल के लिए समझ लिया कि इस साइड में ये झुका हुआ है क्योंकि हमारा बिल्कुल सीधा सीधा ब्लॉक में टच नहीं हो रहा, सिर्फ एक पॉइंट टच हो रहा है। तो देखिए अब मैंने वहाँ से उसको ठोंक दिया, हमने फिर दोबारा चेक कर लिया, हाँ भाई हमारा सीधा है। फिर भी मतलब अंडरकट देने के बाद फिर भी अगर आपसे गलती हो जाती है फिर भी आप सुधार सकते हैं, तो इस तरीके से आप सीधा करके उसको ठोंक सकते हैं। और ये हमारी पंच प्लेट है, इसमें हमने पंचों को ठोंक दिया है, उस सारा कुछ ग्रैंड वगैरह हमने कर लिया है, उसके अंदर स्प्रिंग भी डाल दी है। ये हमारी स्टीपर प्लेट है जिसमें हमने डायरेक्ट होल कर रखे हैं। ये हमारी डाई प्लेट है MS की, जिसमें हमने SCCR का बूस लगाया हुआ है। इसमें हमने पंच जो इस्तेमाल किया वो SCCR का इस्तेमाल किया है। जो हमारी पंच प्लेट है वो भी MS की है, जो स्टीपर प्लेट है हमारी 31 की है। तो आप देख सकते हैं सारा कुछ हमारा मटेरियल कुछ इस तरीके से था। ठोकने का तरीका मैंने जो बताया वो ध्यान रखिएगा, हमेशा के लिए आपको काम आएगा वो। तो देखिए ये सब कुछ हमने इस तरीके से कर लिया। चलिए फटाफट इसकी असेंबली कर लेते हैं, असेंबली करके आगे का चीज़ दिखाता हूँ मैं। तो देखिए मैंने असेंबली कर ली, असेंबली करके मैंने यहाँ स्प्रिंग लगा दिए, जो मैंने पहले बताया था आपको कि देख लीजिए यहाँ पर मैंने 4 पिने भी दे दिए हैं, जो कंपोनेंट मैंने अपने कंपोनेंट के हिसाब से देख लिया, मेरे कंपोनेंट में कहीं फाउल ना करे उसके हिसाब से मैंने 4 पिने भी निकाल दिए हैं, ताकि जो हमारे टूल की अलाइनमेंट रहे काफ़ी अच्छे से रहे, मतलब टूल के अलाइनमेंट काफ़ी अच्छे से मिली रहे। हालांकि हम इसे पिलर सेट में लगा रहे हैं लेकिन फिर भी मैंने 4 पिने इसलिए डाल दी ताकि स्टीपर प्लेट से पंच प्लेट की गाइडनेस काफ़ी अच्छी सी मिली रहे। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सारा कुछ रेडी है। स्टीपर प्लेट से हमने पंच को थोड़ा सा पीछे रखा, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर अभी भी हमारी स्प्रिंग लूज है। स्प्रिंग लूज इसलिए है क्योंकि मैंने अभी पीछे से इसको टाइट नहीं किया है, ठीक है, टाइट नहीं किया है। हमने कैलकुलेशन कर लिया कि हमें भाई कितनी बड़ी स्प्रिंग डालनी है। यही सब चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था, एक मैंने वीडियो और बनाया था जिसमें बताया था कि भाई हमें स्प्रिंग का कैलकुलेशन किस तरीके से करना है। अभी देखिए हमारी स्प्रिंग बिल्कुल लूज है और यहाँ पर देखिए जो हमारा पंच है कम से कम 2-2.5 मिलीमीटर अंदर है, तो अब हमने यहाँ पर इसको टाइट कर लेना है। और इसको किस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं, हमें स्प्रिंग किस तरीके से निकालनी है, इसकी वीडियो ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने जितने बोल्ट लगाता हूँ उसमें नट जरूर लगाता हूँ, अगर हम स्लिप लगाएं, अगर हम स्लिप लगाना चाहिए वैसे, अगर स्लिप नहीं लगा रहे हैं इनकेस तो हमें नट जरूर लगा देना चाहिए, ताकि स्टीपर प्लेट का कोई बोल्ट अगर लूज होता है तो अनबैलेंस ना हो। अनबैलेंस होने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट भी हो जाता है, स्टीपर प्लेट भी टूट जाए, डाइव टूट जाए, पंच टूट जाए, नुकसान हो जाता है। लेकिन इसलिए हमें इस तरीके से ज़रूर लगाना चाहिए। मैंने पंचों के अंदर स्प्रिंग इसलिए डाल दिया था कि ताकि वो स्प्रिंग हमारी भगे भी ना और सारा कुछ हमारा अंदर ही अंदर सही से रहे। तो यार मैंने देखिए ये टूल कुछ सिंपल तरीके से बनाया। अब इसको देखिए हमने ट्रायल के लिए लगा दिया है, यहाँ पीस भी आपको निकाल दिखा सकता हूँ, हमने कई सारे पीस निकाल लिए हैं, उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे या नहीं आपने एक पीस दिखा दिया बस। देखिए हमारे सारे होल बिल्कुल एक्यूरेट, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार यहाँ पर बूस का निशान आने लग गया है। हमने बूस को ऊपर प्लस रखा था ना, ग्रैंड डाई प्लेट से प्लस रखा था, उसको क्यों रखा था मैंने पिछली वीडियो में वो भी बताया हुआ है। यहाँ देखिए मैंने इसको साफ़ करवा दिया है, जैसे मैंने यहाँ पे साफ़ करवाया तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निशान हट गया, वो सिर्फ ऑयल डाला हुआ था, ऑयल की वजह से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे बूस का निशान है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। डाई आपके सामने है, सारा रिजल्ट आपके सामने है। देखिए दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की हर चीज़ को बताने के लिए, समझाने के लिए, आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा तो आपको सारी डिटेल समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को वीडियो में सारी जानकारी समझ में आ गई होगी कि मैंने बूस वाली डाई क्यों बनाई थी, बूस वाली डाई से मुझे कितना फ़ायदा हुआ था, किस तरीके से हम बूस को लगाते हैं, किस तरीके से बूस को बनवाते हैं, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में कवर करने पूरी कोशिश की। और आपको मैंने कंपोनेंट भी दिखाया, कंपोनेंट आप देख सकते हैं, कंपोनेंट मेरा बिल्कुल साफ, बिल्कुल फिनिश, कोई बिल्कुल सही पीस आ रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और मैंने ये भी दिखाया आपको कि अगर वहाँ पे आपको ऐसा लगता नहीं यार वहाँ पे बूस का निशान, तो बूस का निशान बिल्कुल नहीं आया था, ऑयल था, ऑयल का निशान आ रहा था और कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सही पीस था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सारा कुछ हमने पहले वीडियो और इस वीडियो में मिला के कवर कर लिया। तो उम्मीद करूँ दोस्तों यार वीडियो अच्छी लगी होगी, यार
लगी हो तो यार एक लाइक तो यार कर ही दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके फिर बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तकलीफ अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, टाटा बाय बाय। अगर कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा।